एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खबर का असर, वन विभाग ने लगाई चेतावनी बोर्ड, अब लगाया जाएगा 25,000 का जुर्माना और होगी 7 साल की जेल। लांजी, हाल ही में एक वीडियो लांजी के प्रसिद्ध कोटेश्वर मंदिर का सामने आया था, जिसमें बंदरों को मानवीय खाद्य सामग्री खिलाई जा रही थी। वहीं वन विभाग को भी कोटेश्वर मंदिर में बंदरों को उकतासे की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसे देखते हुए सी टाइम्स अखबार के द्वारा खबर भी प्रकाशित की गई थी। और इस मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम सामान्य लांजी नेहा घुड़ेश्वर का बयान भी आया था कि यह दंडनीय अपराध है और इसके लिए वन अधिनियम में सजा व जुर्माने का भी प्रावधान है। कोटेश्वर मंदिर में जो चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, उसमें वन मंडल अधिकारी दक्षिण सामान्य बालाघाट मध्य प्रदेश के आदेश अनुसार इस चेतावनी का उल्लेख किया गया है कि बंदरों को खाने पीने का सामान न डालें। ऐसा करना वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत कानूनी जुर्म है। जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसके तहत 7 साल तक की सजा व 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं इस बारे में वनपाल इंदिरा गर्ग ने बताया कि कोटेश्वर मंदिर में मौजूद बंदरों की लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसके कारण भक्तगण और यहां से आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे थे, जिसे देखते हुए यह चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। और इसके लिए जैसे ही इस बारे में शिकायत प्राप्त होगी या वन विभाग द्वारा ऐसा करते हुए किसी को पाया जाता है, तो उपरोक्त कार्यवाही की जाएगी। इनका कहना है, बहुत दिनों से लाल मुंह के बंदरों को लेकर शिकायत आ रही थी कि लांजी के कुछ बड़े व्यापारियों द्वारा तथा आम लोगों के द्वारा भी बंदरों को मानव भोजन दिया जा रहा था। इस वजह से बंदरों का डेरा मंदिर में ही रहता था, जिससे कि दर्शनार्थियों को इन बंदरों के द्वारा तकलीफ होती थी। बंदर कई दर्शनार्थियों को जख्मी भी कर चुके हैं और उनके हाथों से पूजन की सामग्री थैला यह छीन कर भाग जाते थे, जिसको संज्ञान में लेते हुए हमारे विभाग के द्वारा यहाँ पर सूचना बोर्ड लगाया गया है। इसके बावजूद भी अगर कोई बंदर को मानव भोजन देते दिखता है या फिर किसी के द्वारा वीडियो बनाकर हमें शिकायत मिलती है, तो हम उस पर तुरंत कार्यवाही करेंगे, जिसमें 25,000 रुपए तक का जुर्माना तथा नियम अनुसार 7 साल की सजा का भी इसमें प्रावधान है। इंदिरा गर्ग, डिप्टी रेंजर, एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस, लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। ईश्वर मंदिर में जो बोर्ड लगाया गया है, वन्य प्राणी खासकर बंदर को कुछ मानवीय सामग्री न खिलाए, इसके बारे में क्या है कुछ जानकारी? वो क्या है, वहाँ बहुत दिन से शिकायत आ रही थी कि यहाँ के कुछ मतलब व्यापारी को या आम लोगों के द्वारा भी जो अपन मानव भोजन है वो भोजन उनको दिया जा रहा था, जिससे क्या उनका 24 घंटे डेरा वहीं पे रहता था। अब आए दिन क्या है, जो वहाँ पे पूजा पाठ के लोग आते थे, उन लोग को बच्चे हो या महिलाएँ हों, उनको खीर दान करना, उनके हाथों से थैला लेना या कोई भी सामग्री जो उनके हाथ में रहती थी खींच देते, घायल भी हुआ, मतलब कई लोग घायल भी किए हमने, तो शिकायत बहुत आ रही थी। तो फिर हमारे परिषद अधिकारी को थोड़ी मतलब हमने इस बात से ध्यान में लाया कि यहाँ पे ऐसा सब हो रहा है, तो उसके द्वारा फिर एक बोर्ड लगवाया गया वहाँ पे, उसमें चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा कोई करता है या करते हुए पाया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत उसकी कार्रवाई की जाएगी। कितना क्या जुर्माना और कितने क्या सजा? जुर्माना तो वही 25,000 के लगभग में है, और उसके अंदर जो भी नियम में जो भी आएगा तो भी कार्रवाई होगी। सजा है तो सजा का प्रावधान भी है उसमें। अच्छा मैम, वहाँ पे आपने बोर्ड तो लगा दिया है, लेकिन अगर कोई ऐसा खिलाते पाया जाता है तो उसकी सूचना आपको कैसे मिलेगी या कैसे कार्रवाई करेंगे आप? तो ये है कि हम लोग का तो समय समय पर आना जाना रहता ही है वहाँ पे, और अगर हम लोग की नज़र में आता है तो हम तो कार्रवाई करेंगे, या फिर किसी और शिकायत मिलती है तो आजकल क्या लोग तो वैसे वीडियो बनाते रहते हैं चीज़ों के, अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे पास आती है तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ एमबीसीजी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस में, तब तक के लिए नमस्कार।